आके प्रैक्टिस करनी जरूरी है यार, क्या करूं? कुरियर बॉय बन जाता हूँ। हाँ प्रैक्टिस कर ले। हेलो मैम, आपका कुरियर? हाँ नहीं यार, अबे सामान तो है नहीं, कुरियर वाला कैसे बन सकता है तू? शगुन जी जानती हैं तेरे को। हाँ तो बस फिर यार सीधे जाके पूछ लेना कि वो जो लड़की है वो क्या लगती है आपकी। हाँ होगी प्रैक्टिस। क्या काम है शगुन से? कल रात को भी तुम आए थे ना यहाँ पे, मुझे पता है। क्या चाहिए तुम्हें उससे? मैं आया था इश्ता जी, मैं आया था। कल डरा दिया ना शगुन जी को, बस सॉरी उसके लिए। मुझे काम क्या था? मुझे कुछ पूछना था उनसे। क्या पूछना था बताओ मुझे। इश्ता जी मुझे ये पूछना था कि वो जो लड़की है ना उनके साथ वो कौन है, बस यही पूछना था। उसके बारे में क्यों पूछना था? चलो आपको बता देता हूँ, पहली नजर का प्यार हो गया उससे। Don't you dare. सुन रहे हो? Don't you dare. तुम्हें कह भी कैसे सकते हो कि तुम्हें प्यार हो गया उससे? निशा जी क्या हो गया क्या? हाँ? तुम्हें ऐसे कैसे प्यार हो सकता है उससे? अरे सच्चा प्यार करता हूँ मैं उससे आपको। क्या क्या जानते हो तुम उसके बारे में? क्या जानते हो? कितने बार मिले हो तुम उससे? हाँ एक बार नहीं, एक्चुअली दो बार देखा मैंने उसको। एक बार रेस्टोरेंट में देखा था। उसने तुम्हें देखा? आलिया ने तुम्हें देखा? देखा मैं क्या पूछ रही हूँ, आलिया ने तुम्हें देखा? उसने तुम्हें देखा था क्या? मैं कुछ पूछ रही हूँ, आलिया ने तुम्हें देखा? पागल हो गए हो क्या? दो बार मिले उससे तुम, उसने तुम्हें देखा तक नहीं और तुम क्लेम कर रहे हो कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है? Listen to me. तुम आलिया से प्यार नहीं कर सकते हो, आलिया से प्यार नहीं कर सकते हो, तुम वो तुमसे प्यार नहीं करेगी। तुम सुन रहे हो मेरी बात? तुमने मेरी जान बचाई, मैं शुक्रगुजार रहूंगी तुम्हारी हमेशा के लिए, लेकिन तुम आलिया से प्यार नहीं कर सकते हो, सुन रहे हो? आलिया आलिया क्या लगा रखा है? मेरी बात सुन रहा है? योग मेरी बात सुनो, तुम आलिया से प्यार नहीं कर सकते हो, उससे तुम 100 कोस दूर रहोगे। अगर उसके करीब भी गए ना खुद टांगे तोड़ूंगी मैं तुम्हारी, सुन रहे हो? इश्ता जी थैंक, उसका नाम बताने के लिए आलिया थैंक वेरी मच। तुम उससे दूर रहोगे, सुन रहे हो मेरी बात आलिया? शकुन हाँ मैं आ रही हूँ। What? आलिया? उत्तरी, ये थप्पड़ इशिता जी ने मारा तेरे गाल पे, देख तो भाई गाल लाल कर दिया मेरे भाई का। हा? कोई ना। हाँ यार प्यार किया तो डरना क्या, और वैसे भी काके तुम्हारी भाभी का नाम पता चल गया यार, इशिता जी ने बताया आलिया। आलिया? अबे ओए मजनू की औलाद, अबे तू पागल हो गया क्या? तू सच सच बता, ये सारी बातें इशिता जी से रिलेटेड तो नहीं है ना कहीं? पता नहीं। हाँ ओए उन्होंने तुझे थप्पड़ क्यों मारा? हाँ और वो कैसे जानती है उस बंदी का नाम? सीन क्या हाँ। है बताना भाई कुछ। मार दिया तो मार दिया, की फर्क पैंदा है यार। खुशी तो इस बात की है कि नाम पता चल गया यार। अबे आलिया चल साइड हो। अभी कहीं ना जाने दे रहा मैं तुझे। क्यों? पहले तू ये बता कि ये सब क्या है, क्या बात क्या है, सच सच बता यार। इशिता जी ने कहा है कि आलिया से दूर रहो, बस दूर रहो। हे बाबा जी, इसका मतलब अगर तू आलिया के पीछे गया तो ये बात इशिता जी को पसंद नहीं आएगी, है ना भाई? देख हमें इन लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए,
तू आज के बाद उस बंदी से नहीं मिलेगा, समझा? काके, आलिया से अब दूर नहीं रह सकता यार। हाँ? और रही बात इशिता जी की, तो यार उन्हें हैंडल कर लूंगा मैं। तुमने फिल्में नहीं देखी क्या? हाँ, फिल्मों में होता है ना, जब भी किसी से प्यार होता है तो पहले फैमिली वाले खिलाफ होते हैं, लेकिन बाद में वही लोग गले लगा लेते हैं यार। और वैसे भी वो प्यार ही क्या जो आसानी से मिल जाए। हाँ, अबे यार इशिता जी को अभी पता नहीं है कि मैं आलिया से कितना प्यार करता हूँ। जब पता लगेगा ना तो वो भी समझ जाएंगी। तेरे थप्पड़ को देखकर तो नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मान जाएगी। अबे यार गलती हो गई, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अबे यार चुप करो यार। अबे शाहरुख खान का डायलॉग नहीं सुना क्या? किसी चीज को पूरे सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात लग जाती है काके मिलाने में। सही बोला। तो बस फिर यार, तुम सच्चे दोस्त हो मेरे। नाम पता चल गया है ना, बाकी चीजें भी पता लगा लेंगे। युग, हाँ जी, ऑफिस आ रहे हैं ना आप? आइए तो छोड़ देता हूँ। पहली नजर का प्यार हो गया उससे। युग है वो, आदि नहीं है। आई हैव टू बी क्लियर, युग आलिया के सामने नहीं आ सकता है। ही कांट। बेचारी आलिया वो अपनी जिंदगी शुरू करना चाह रही है रोहन के साथ में, फिर से युग सामने आ गया तो वो तो बेचारी वापस बिखर जाएगी, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं आलिया के साथ ये नहीं होने दे सकती हूँ कि युग आदि नहीं है, वो मेरा आदि नहीं है। मुझे रमन को बताना होगा इस बारे में। अरे मदरसन कहाँ है तू यार? सुना, एक साथ लंच करेंगे, घर का खाने का मूड नहीं। हाँ सुनिए, मुझे भी आपसे मिलना है जल्दी, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। क्या वो सब ठीक तो है? मैं शगुन की बिल्डिंग के कंपाउंड में थी और यहाँ कुछ हुआ। वॉचमैन ने बता दिया। अब लुक, आई कैन एक्सप्लेन, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। रमन सुनो प्लीज, मैं फोन पे बात नहीं करना चाहती हूँ, आप मुझसे मिल सकते हो? हाँ, मिलने की जरूरत नहीं, छोटी मोटी बात है, मेरी बात तो सुनो तुम। प्लीज जल्दी मिलोगे आप मुझसे? ओके ठीक है। मैं अभी डिजाइनर की बुटीक जा रही हूँ, मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ, वहाँ पहुँच जाओ सीधे। हाँ शमशान भी बाजू में ही है वहाँ पर। ठीक है आता हूँ। आई होप रमन गुस्सा ना हो जाए कि मैंने अभी तक युग के बारे में क्यों नहीं बताया उन्हें। यार ये मदरसन को वॉचमैन ने बताना दिया होगा, बहन भजा दी मेरी। थैंक्स। मेरा ऑफिस है। तुम पीछा कर रहे हो मेरा? हाँ एक कैब क्या बुक कर दी तुमने, बहुत बड़ा एहसान कर दिया मुझ पे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें क्या अंदर कॉफी पे बुलाने वाली हूँ? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके यू कैन लीव। प्लीज रोए, मैं यहाँ तुम्हारा कोई पीछा नहीं कर रहा हूँ और ना ही मुझे तुमसे कोई कॉफी की इन्विटेशन चाहिए। मैं यहाँ काम से आया हूँ, वो भी बिजनेस के काम से। बिजनेस का काम और वो भी तुम? इसे वो प्यून की भी पोस्ट खाली नहीं है एक्चुअली, आई एम सो सॉरी। ओके तुम जा सकते हो। वेट आई विल शो यू, आई एम श्योर तुम इस प्रपोजल के बारे में जानती ही होगी। तुम इसी कंपनी के क्लाइंट से मिलने आई हो ना, जीएम एसोसिएट्स? यू मीन गौरव मनकतला? दैट्स राइट, गौरव मेरा ही दोस्त है, मैंने उसकी कंपनी ज्वाइन की है, इनफैक्ट हम बिजनेस पार्टनर्स हैं अभी। ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड। वो क्या है ना,
गौरव बिजनेस के काम से अब्रॉड गया है, तो इंडिया के जितने भी ऑपरेशन है मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। तो तुम्हारी कंपनी और जीएम एसोसिएट्स के बीच में जो भी जॉइंट वेंचर होने वाला है उसके नेगोशिएशंस के लिए मैं आया। ओह, सो यू मीन टू से कि तुम जॉइंट वेंचर में सर डिस्कस करने आए हो? दैट्स राइट। वेट अ सेकंड रोहित, आई वांट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर। मैं यहाँ किसी इंटेंशन से नहीं आया, मैं सिर्फ काम करने आया हूँ। एंड आई होप तुम मेरे साथ काम कर पाओ। आई होप you can handle this. What do you mean if I can handle this? Listen, मैंने बहुत सारे joint ventures पहले handle किए और तुमसे better ही handle किए. So please. मेरे कहने का मतलब वो नहीं है. I mean, I hope कि तुम मेरे साथ काम कर पाओ. क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे देख के तुम्हें काफी effect हो रहा है. What? तुम पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? You know what, Karan? I don't think you know. क्योंकि मैं एक बहुत ही प्रोफेशनल इंसान हूँ। आई डोंट मिक्स अप माई पर्सनल लाइफ विद माई वर्क, ओके? तो तुम्हें ना इसकी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू इनसाइड। लेट्स सी रोहित, मुझसे दूर रहना इतना आसान नहीं होगा। ये सारे डिजाइन उन बस्तियों के औरतों ने बनाए हैं, जस्ट चेक। और कुछ यहाँ पे भी हैं। इट बी वेरी नाइस अगर ये डिजाइन अपने कॉस्ट्यूम में यूज करें तो उनको अर्न करने का एक मौका मिलेगा। ऑफ कोर्स, सी दीज आर सो गुड। या आई लाइक इट। आई एम ग्लैड यू लाइक इट। क्या प्राइसिंग होगी इन एम्ब्रॉयडरी पीसेस की? आई हैव द प्राइस लिस्ट, मैं आपको दिखाती हूँ। या जस्ट गिव मी वन सेकेंड। शायद मैं प्राइस लिस्ट घर पे भूल गई हूँ, क्या मैंने कहीं गिरा तो नहीं दिए पेपर्स? आलिया, तुम प्राइस लिस्ट दिखा रही हो ना? एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, आई थिंक मैं प्राइस लिस्ट घर पे भूल गई हूँ। क्या तुम सच में प्राइस लिस्ट लाना भूल गई हो या तुम किसी और डिजाइनर को अप्रोच कर रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज रियली अनप्रोफेशनल आलिया। तुम एक न्यू कमर हो और न्यू कमर हो के तुम इतना अनप्रोफेशनल कैसे हो सकती हो? लिसन रिलैक्स, I think you're misunderstanding. ऐसा कुछ नहीं है, वो घर पे भूल गई है। Shagun, I know you. At least मैंने तुमसे ये expect नहीं किया था। See, मेरा कितना time waste हो गया है and मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ तुम लोगों को अपना idea share करने आई थी, that's it. I think you're overreacting. Please try and understand. ऐसा कुछ नहीं है। Please आप लोग जाओ, मुझे बहुत काम है। Just go. क्या हुआ, क्या हुआ? एक मिनट, क्या हो गया? अम्मा, actually it's my fault. मैं prices घर पे भूल गई हूँ और इन्हें लग रहा है कि मैं इनको चीट कर रही हूँ। ऐसा आलिया क्यों करेगी? प्राइस लिस्ट अगर घर पे तो हम अगली मीटिंग में लेकर आ जाएंगे साथ में। मैम, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार आपसे मिलती रहूं। सी, मेरा फैशन शो है, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे कॉस्ट्यूम्स लॉक करनी है एंड वो बस्ती की औरतें वो कब बनाएंगी? इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। मैं नहीं कर सकती ये प्रोजेक्ट आपके साथ। एक बार ला कर देने तो दीजिए। नो, इट्स नॉट। हम अभी मंगवा लेते किसी के थ्रू। लिसन, आई नो यू आर अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, लेकिन प्लीज इसे एक और चांस दीजिए। शी विल जस्ट अभी ऑर्गेनाइज कर देगी। एक्सक्यूज मी, रोहन। रोहन, ये रही आपकी प्राइस। एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी, गलती आलिया की नहीं बल्कि गलती मेरी है। आलिया ने मुझे कहा था कि इस फाइल को कंपाइल कर दो, बट देन पता नहीं ये प्राइस लिस्ट कैसे बाहर रह गई। आई एम रियली सॉरी। आलिया इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड आई एम श्योर अगर आप एक चांस उसको और देंगे ना, शी वोंट लेट यू डाउन। That is for sure. Thank you. Well, आपका proposal भी अच्छा है और आपकी price list भी अच्छी है, so I'm thinking कि हमें साथ में काम करना चाहिए, right? Okay, Alia, then कल मिलते हैं। Yeah. Finalize करते हैं project. Thank you so much. अभी traffic में फंसे हो? ठीक, मैं यही wait करती हूँ आपका। हाँ, मैं लोकेशन भूल गई, मैं अभी भेजती हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच। मैं वो लिस्ट लाना भूल गई थी और तुम लेके आई, तभी ये पॉसिबल हुआ। अदरवाइज कम ऑन आलिया, इट्स नॉट मी, इट्स यू, इट्स योर हार्ड वर्क। और जो भी कुछ किया वो तुम ही ने किया। हाँ, वो अलग बात है कि मैंने वो पेपर गिरता हुआ देख लिया था, बट देन आई ट्राइड कॉलिंग यू बट यू डिड नॉट पिक अप। आई गेस तुम मीटिंग में थी शायद इसलिए, राइट? आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था वो तुम्हारा नंबर है। Actually, तुम्हारा नंबर मेरे पास था नहीं, तो इट वाज सेव, तो मैंने इसलिए। आलिया, दैट्स माय नंबर, प्लीज सेव इट।
I think we should leave. Yeah? Yeah. She finds... Alia! Alia! जैसी उसकी हालत है ना, भूख तो मिट गई होगी उसकी प्यार में। हाँ प्यार में। उड़ा लो बेटा उड़ा लो मजा, लेकिन सच में भूख नहीं है मेरे को, समझ आ रही है। और वैसे भी तुम्हारी भाभी का नाम पता चला है बे। हाँ लिया, कितना प्यारा नाम है यार। सारे अकाउंट प्राइवेट है, फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। मंगा लिए फोन करके। स्पाइसी बहुत है यार ये। तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है? यहाँ तुम्हारी भाभी की इन्फॉर्मेशन निकालने में लगा हुआ हूँ मैं, और तुम दोनों पिज्जा ठूस रहे हो, शर्म नहीं आती? अब तो पागल वागल लग जाते, अब खाली पेट तो भजन भी नहीं करते साले। तू तो फिर भी आशिकी करने की बात कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले थोड़ा सा तू खा ले, उसके बाद तीनों भाई मिल करके इंटरनेट बन जाएंगे, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे यार। ये देखा हो भाई, गेस व्हाट, मुझे अभी भी मैसेज आया, मुझे इंटरव्यू के लिए फाइनलाइज कर लिया गया भाई। अरे वाह काके वाह, क्या बात है यार। वैसे देखा जाए ना, आज का दिन बहुत बढ़िया है यार। इसको इंटरव्यू के लिए फोन आ गया और मुझे तुम्हारी भाभी का नाम पता चल गया यार। मुझे पिज्जा मिल गया। प्लेसमेंट कंसल्टेंट का फोन है। हेलो, हाँ जी सर, हाँ ओके, क्या आज? हाँ सर मैं आ जाऊंगा। ओके सर, सी यू। सॉरी योग भाई, आज मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। देख भाई, मेरा इंटरव्यू आज ही है, तेरे सामने कॉल आया। हाँ चल ठीक है ठीक है, और सुन टाई लगा के जाना ठीक है। हाँ भाई मैं भी, कपड़े और सही है ना? हाँ बिल्कुल ओके। और सुन कोई बात नहीं, तेरी भाभी की इन्फॉर्मेशन विशाल निकलवा देगा यार, टेंशन मत ले। कर देना हेल्प उसका। हाँ जा जा, ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। हेलो, यस सर। हाँ आपको मिलना है सर अभी ऑफिस, लेकिन सर आज तो कुछ काम ही नहीं था ज्यादा, इसीलिए मैं आया। अच्छा आना है? हाँ सर बस आ रहा हूँ अभी सर। ओके यार, बॉस का फोन था, ऑफिस जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तू जा यार, अपना काम कर। तू काम कर, तू दौड़ के जा और उड़ के वापिस आ जाइयो, तब तक मैं भाभी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता हूँ भाई। पक्का? पक्का है मेरी जान। चल जा रहा हूँ। रमन पुत्र फोन करके पता करना। अरे फोन उठाए तो ना माँ, ना इस तरह उठा ही ना सको, पता नहीं दोनों कहाँ रह गए। क्या हुआ आलिया को, समझ नहीं आ रहा कुछ। एक तो आलिया भी ना काम का इतना स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है, वो डिजाइनर शगुन की दोस्त है, उसे घर बुला लेती यार। कमाल करते हैं बच्चे यार। अब बच्चे काम भी नहीं करेंगे क्या? अरे लेकिन पापा काम करने का भी तरीका होता है ना, इतना क्या स्ट्रेस लेना कि। अरे खाने पीने में कुछ गड़बड़ होगी होगी, तो एक काम कर डॉक्टर को फोन कर दे उसका। अच्छा अच्छी आइडिया, मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ, जब तक बोलो पहुंचेंगे डॉक्टर भी पहुंचाएगा। लो आ गई इशिता। आलिया कहाँ है? मैंने कहा था आलिया से लगा, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं किया, वो हेल्प कर रहा है। रमन वो हेल्प कर रहा है आलिया की। आलिया बेहोश हो गई थी। और रोहन प्लीज आलिया को अंदर लेके जाओ। जी कर आलिया को। हाय रमन, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आलिया को, प्लीज ट्रस्ट मी। वो आलिया की हेल्प करने के लिए आया था, आलिया अपनी एक फाइल भूल गई थी तो वो लेकर आया। आलिया बेचारी बेहोश हो गई, तो वहां से उसको उठा के लेकर आ रहा है वो। रमन ही लव्स आलिया एंड इट्स वेरी एविडेंट, अब आप भी एक्सेप्ट कर लो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।